नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, अब जो सरकार ने कितने % सिलेबस हटा दिया गया है और क्या हमें पढ़ना होगा। देखो, 40% सिलेबस सरकार ने प्रत्येक सब्जेक्ट से हटा दिया गया, परंतु 40% का मतलब ये नहीं होता कि 15 पाठ का 40% निकाल दिया और हटा दिया। ऐसा नहीं है, सरकार ने 20 लेसन में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो प्रत्येक लेसन में से कुछ ना कुछ टॉपिक गायब हुआ है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और हमें क्या पढ़ना होगा। सो मैं रोहित शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें, न्यूज आपके लिए सबसे पहले उपलब्ध कराता हूँ। और लाइक करना ना भूलें। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो सिलेबस हटाया गया है, पहले हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर सिर्फ क्लास 12th की बात करेंगे ये वीडियो, क्योंकि 12th क्लास एक बोर्ड की क्लास होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो सिर्फ हम 12th क्लास के बारे में बात करेंगे, 12th क्लास के सिलेबस में क्या जोड़ा गया है और क्या हटा दिया गया है। तो जोड़ा तो कुछ नहीं गया, जो लेसन है उसमें से हटा दिया गया है। तो हटने के बाद क्या हमें पढ़ने के लिए रहता है वो हम इसमें बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले व्याकरण की। क्लास 12th है आपकी, सब्जेक्ट है आपका अनिवार्य हिंदी, पुस्तक का नाम है व्याकरण। अब इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है, तो इसमें से हटा दिया गया है खंड 2 में से व्यवहारिक व्याकरण एवं पद रचना में से आपके पद परिचय, सब शक्ति, अलंकार, अलंकार में से भी रूपक, उपेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास और पत्र प्रारूप लेखन में ज्ञापन अधिसूचना ये आपको नहीं पढ़ने है ना, मजे की बात। अब हम बात करेंगे संशोधित पाठ्यक्रम हटाने के बाद क्या कह रहा है। तो आप लगातार देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखाया भी है कि जो एग्जाम्स होगी वो 3.25 घंटे की होगी, 80 क्वेश्चन नंबर का होगा, 20 आपके 17 अंक होंगे, टोटल 100 हो गया। तो उसमें से अधिगम क्षेत्र में से कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और खंड ए और खंड 2 में अपठित गद्यांश 4 अंक के आएंगे, अपठित पद्यांश भी 4 अंक के, टोटल 8 अंक इस प्रकार आने वाले हैं। और खंड 2 में व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना आएगी, उसमें से देखो हमने पहले चर्चा की थी क्या क्या हटा दिया गया है, अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है भाषा व्याकरण लिपि का परिचय पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, सब शक्ति पढ़नी है, अलंकार में सिर्फ अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा ही पढ़ना है आपको, परिभाषा शब्दावली पढ़नी है, पत्र का प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय पत्र व निविदा विज्ञप्ति आपको पढ़नी है, निबंध लेखन में विकल्प सहित आपको ऑप्शन होंगे उसमें आपको पढ़ना है, ये 4 अंक आपके आने वाले हैं। खंड 3 में जो पुस्तक है आपकी सृजन, प्रथम पुस्तक जो आपकी है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा व्याख्या पद से, विकल्प सहित आएगा, 4 नंबर का होगा, व्याख्या पद से वो भी 4 नंबर का होगा, 2 निबंध तक प्रश्न आने वाले हैं किसी, ठीक है। तो आप लगातार इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारा बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या टॉपिक कितने उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का होने वाला है, वो सब कुछ आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। जो पीयूष है उसमें से एक निबंध तक प्रश्न आएगा, विकल्प सहित आएगा, 6 नंबर का होगा, 6 अंक का होगा, और लघुरात्मक जो प्रश्न आएंगे उसमें 3 होंगे, वो भी 2 नंबर के होंगे, तो टोटल 6 नंबर का ये हो जाएगा। उसके पाठ्य पुस्तक संवाद हेतु जो आएगा, समाचार लेखन है, विविध प्रकार के लेखन है, साक्षात्कार, अब जो हिंदी सब्जेक्ट के पास होगा वो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने ही हैं। वार्ता, रिपोर्टार, यात्रा, वर्तमान, डायरी वगैरह जो भी है सारे अब टॉपिक हैं, जिनके पास 12th क्लास में सब्जेक्ट है हिंदी वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब जिनके पास 12th क्लास में इंग्लिश है कंपल्सरी, इंग्लिश तो कंपलसरी होती ही है 12th क्लास में, ऑप्शनल अलग से ली जाती है, तो कंपलसरी जो इंग्लिश है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। और उस कंपलसरी इंग्लिश में डिलीटेड पार्ट पोर्शन जो कौन कौन सा है वो हटा दिया गया 21 के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो राइटिंग में शॉर्ट कंपोजिशन जो होते हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, उसमें से टॉपिक कौन कौन से हटाए हैं स्क्रीन पे हैं,
डिफेटिंग पोइट्रीज ऑन द सोशल वगैरह आप देख सकते हैं, क्यों सब कुछ क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट बुक रेनबो जो आपकी, उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से वाटर, 2nd में से, 3rd में से थर्ड थॉट एंड ये टॉपिक के नेम हैं ये आपके हटा दिए गए हैं। और ये पनोरमा जो टॉप है आपकी बुक, उसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 10 ये आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो बहुत सारा सिलेबस आपको हटा दिया गया है, अब आपको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, टेंशन नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कोरोना चल रहा है, क्लास नहीं चल रही, अब क्या करें, तो सारा कैसे पढ़ेंगे। तो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है ये कि अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब क्या क्या पढ़ना है अभी देख लेते हैं। कंपलसरी इंग्लिश के अंदर जो रीडिंग होगी 15 मार्क्स की होगी, राइटिंग की 25 मार्क्स की होगी, टेक्स्ट बुक रेनबो जो है 25 मार्क्स की होने वाली, जो रेनबो आप अच्छे से पढ़ें और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लें। पनोरमा जो है 15 मार्क्स की होने वाली है। सेक्शन ए आपके स्क्रीन पे है और इसमें जो एक टेबल के अंदर दिया हुआ है ये भी आप आराम से आसानी से देखें कि क्या क्या उसके अंदर होने वाला है, कितने कितने वर्ड्स के हमको इसमें लिखने होंगे, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, स्क्रीन पे ऊपर है, जो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, जो बुक लगातार देख रहे हैं तो उनको आसानी समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन सी में हमें पढ़ना है टेक्स्ट बुक्स रेनबो से हमें क्या क्या पढ़ना है और पनोरमा से क्या क्या पढ़ना है। रेनबो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसमें से 25 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसे तो भाई रट के पढ़ दो, यही आपका रिजल्ट बनाएगी, ध्यान रखना। पनोरमा से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आने वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर, जो जिन बच्चों के पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 12th क्लास में कंप्यूटर, अब जिन बच्चों के पास 12th क्लास में कंप्यूटर है तो सदंत परीक्षा हटाया गया भाग हम बात करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग 2nd। तो क्या क्या हटा दिया हम देखते हैं, थ्योरी पेपर में से क्या क्या हटा दिया है, चैप्टर नंबर 2, 2, 3, 2 बहुत सारे चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। अपॉइंटेड डिवाइस, बिनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्रोग्राम जो है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से उड़ा दिए गए हैं। तो बहुत ही छोटा सिलेबस कर दिया है, देखो इसके अंदर क्या क्या, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ तो इसके बारे में मुझे नॉलेज अच्छी है। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ा दिया, 2nd चैप्टर में से ही बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं, डायनेमिक स्टैटिक मेमोरी, प्रोग्राम होता है, एलोकेशन, पॉइंटिंग, डेफिनेशन वगैरह, बहुत सारे पॉइंट है ना इनके हटा दिए हैं। जो मेमोरी के फंक्शन होते हैं से लॉक, मेलॉक, फ्री, ये हटा दिए गए हैं, जबकि मेलॉक फंक्शन जो होता बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था, हमेशा प्रोग्राम आता था, एक क्वेश्चन आता था एग्जाम में, वो हटा दिया गया है। थोड़ा टफ सा जितने भी टफ पार्ट थे कंप्यूटर से वो हटा दिए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। एंड देन पॉइंटिंग पॉइंटेड सीम हटा दिया, बिनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोग्राम था, ईसीडी का प्रोग्राम था, ये दोनों हटा दिए। और राहत की बात है सॉर्टिंग, एक लंबा चैप्टर था हटा दिया गया है और एक कंप्लीट चैप्टर था, तो साइड में लिखा भी है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड में लिखा भी है कंप्लीट चैप्टर, ये 3rd जो है आपका सॉर्टिंग का ये हटा दिया गया है। 4th नंबर का जो कंप्लीट है ये भी हटा दिया गया है और 5th का कंप्लीट चैप्टर आपको हटा दिया गया। तो 3rd, 4th और 5th ये चैप्टर हमको पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। तो कितना अच्छा और सरल आपको कर दिया गया है। सॉर्टिंग बहुत बच्चों को दिक्कत करती थी, सर कैसे करें, अब ये सॉर्टिंग, स्टैक, लिंक लिस्ट ये हटा दिया गया है। एंड देन 8th लेसन में से फंक्शन ओवरलोडिंग, 8th में से रिटर्न फंक्शन, 9th फ्रेंड फंक्शन, 9th में से रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एंड 9th में से पॉइंटर टू मेंबर, ये सारे टॉपिक हमसे हटा दिए गए हैं। 11th में से बहुत सारा टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो भी मुझे लगता है सरकार ने बच्चों को ध्यान में रखकर ही, उनकी तैयारी को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर टॉपिक डिसाइड किए हैं। तो जितने भी कंफ्यूजन वाले, समय लेने वाले, मेहनत करने वाले क्वेश्चन थे आई थिंक वो सारे हटा दिए गए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इजी यहाँ पर कर दिया गया है। अब जो संशोधित पाठ्यक्रम है जो है, अब उसमें देते क्या, देखो थ्योरी होगी, जो थ्योरी है
रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा सवा 3 घंटे का, 56 मार्क्स का होगा, 14 सेशनल मार्क्स होते हैं 70, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो होगा वो 4 घंटे का होता है, 30 मार्क्स का होता है वो। सेशनल मार्क्स कुछ जाते नहीं इसमें से, टोटल जो मार्क्स 30 आते ही आते हैं, इसके अंदर रिटर्न, प्रैक्टिकल और बाय बाय होता है। तो इसी तरह टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। अब पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है हमको फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल इजी है, इसको बच्चे आसानी से याद कर लेता है, छोटा चैप्टर है। और चैप्टर 6, तो चैप्टर नंबर 2 भी इसमें है, एरे कुछ पार्ट हटा दिया गया, कुछ दिया गया, तो उसमें से सिग्नल और मल्टी डायमेंशन एरे जो 11th में पढ़ते हैं और 12th में सेम आता है, तो बहुत ही सुंदर टॉप मतलब ये सिलेबस बनाए आपके लिए, बच्चों के हिसाब से बनाए गए, और एरे सर्चिंग, लीनियर बाइनरी सर्चिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग सी, फिबोनाची की सीरीज, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक यहाँ लिए गए हैं। सॉर्टिंग जो चैप्टर था हटा दिया गया था, फिर यहाँ इसको शो कर रखा है जो गलत है, या नहीं आएगा चैप्टर 3, इसको यहाँ से मान ली गलती से छपा हुआ है जो नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ सॉर्टिंग लिखा हुआ है साइड में इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा, गलती से छप चुका है। एंड जो सेकेंड यूनिट है उसमें से चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिए हुए, कौन कौन सा पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 में से आपको क्या क्या पढ़ना है, और 15 तो पूरा हटा ही दिया गया है, तो आप आराम से देख सकते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। उसके बाद चलते हैं हम सब्जेक्ट लेते हैं आपका, जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगा उसमें दिया हुआ सिलेबस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सी प्रोग्राम, डिवेंस में आएगा प्रोग्राम, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, बाय 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 जो होगा 5 नंबर का होगा आपका, उसमें कहते हैं प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड आप जो फाइल बनाते हो एक अलग से वो 5 मार्क्स की होगी। डीवीएमएस में से एक प्रोग्राम आएगा 4 नंबर का होगा, सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम आएगा वो 8 नंबर का होगा, और डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम होगा वो 8 नंबर का होगा। इस तरह प्रैक्टिकल के नंबर डिवाइड किए गए और आप पढ़ सकते हो। देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ आप इसको वीडियो में आराम से देखें और चेक करें कि क्या क्या आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, क्योंकि पूरी लगभग 200 पेज हैं और 200 पेज को मैं एक ही चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लगातार देख सकते हैं। हिंदी में है पूरा पाठ्यक्रम, ये सब्जेक्ट है आपका लोक प्रशासन, हटाया गया भाग लोक प्रशासन में क्या क्या आपको हटा रहा है आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या को पढ़ने के लिए टॉपिक दिए गए हैं। सारा सिलेबस आपके सामने है, आप बात करेंगे और साथ में क्या क्या आपको हटा दिया गया है, ये हटाए हुए पार्ट्स हैं, और आपको क्या पढ़ना है पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया, आपको पढ़ना क्या क्या है। आप इस वीडियो को पोस्ट कर करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपके पास 12th में कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होता है, ये बात करते हैं राजनीति विज्ञान में से क्या हटा दिया गया है, बहुत सारे बच्चों के पास राजनीति विज्ञान होती है, बहुत ही प्यारा और अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें से आपको यही चीज़ें पढ़नी है बस। और क्या क्या पढ़ना है देखो, आपको हटाया गया पार्ट ऊपर था, ये पढ़ने वाला पार्ट है, राजनीति विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट संस्कृत की, बहुत ही प्यारा और अच्छा विषय है, बहुत मेहनत चाहिए पढ़ने के लिए, इसमें से ये टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं, काफ़ी सारा संशोधन संस्कृत के अंदर किया गया है, और क्या आपको पढ़ना है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो ये चीज़ें
पढ़नी होगी, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री ने गहलोत जी से मीटिंग की थी, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी से मीटिंग करके ही सारा सिलेबस यहाँ पर किया गया सेलेक्ट, और उन्हीं टॉपिक को रखा गया जिनको पढ़ने में आपको आसानी हो और जो दिए गए समय में हम उस टॉपिक को पूरा कर पाए। हटाया गया भार। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में से ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं और आपको पढ़ना क्या है आप वो हम देख लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर ये आपको जो टॉपिक स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं यही आपको पढ़ के अब तैयारी इतनी अच्छी करनी है। आपकी बार बहुत अच्छा रिजल्ट जाने वाला है प्रत्येक बच्चे का, बस अब आप थोड़ा सा आपकी कोशिश आप यहाँ आपको करनी होगी। अब भूगोल जो विषय है, बहुत सारे बच्चों के पास सब्जेक्ट होता है भूगोल, ठीक है। अब इसमें से प्रैक्टिकल का देख लो, सैद्धांतिक जो भूगोल है उसमें से क्या हुआ है कि सारा सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर चल ही रहा है। देखें थोड़ी सी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है अब की बात, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है, समय भी कम है होने को तो, पर वही सिलेबस है जो बिल्कुल आसान है जिसको बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपके स्क्रीन नहीं दिया गया आपको। ज्योग्राफी इन इंग्लिश मीडियम के लिए इधर दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये सिलेबस आपके लिए उपलब्ध कराया है जिसे इंग्लिश वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और देख सकें। अब भूगोल हटाए जाने वाला वर्ग है, क्या क्या आपको हटा दिया गया, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए यहाँ पे। गणित, कुछ बच्चों पर गणित सब्जेक्ट होता है तो गणित में ये सब्जेक्ट आपके हटा दिए गए हैं। संशोधित क्या होगा पाठ्यक्रम, उसके बाद क्या आने वाला है ये चीज आपको पढ़नी है सिर्फ गणित के अंदर। बीजगणित, कलन, गणित बहुत ही मतलब होशियार बच्चों का सब्जेक्ट है भाई, जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वही लेते हैं उसको झेल पाते हैं, वरना बहुत से बच्चे तो आउट। मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश में है पूरा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिक आप आसानी से एक एक चीज को रोक के देख के समझ सकते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमारा सब्जेक्ट हटा देगा, हमें क्या नहीं पढ़ना, दोनों ही चीजें स्क्रीन के ऊपर है। सब्जेक्ट है ड्राइंग, इसमें से हटाए गए भाग कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सभी जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे कवर किए हैं। और संशोधित पाठ्यक्रम क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं भाई, अब तो पढ़ लो यार, कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप कितने मार्क्स आपको चाहिए। अब जो प्रैक्टिकल है उसमें चित्रकला का उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके वो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो, यही टॉपिक आपको तैयार करना है। वैसे कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपके पास, बहुत ही सूक्ष्म सिलेबस आपको उठा के रख दिया। दिन कम है, अक्टूबर जा चुका है, नवंबर भी ऐसे निकल जाएगा आपका, दिवाली छुट्टियों में दिवाली है एंजॉय करोगे आप, परंतु दिसंबर से लेकर क्योंकि हो सकता है एग्जाम के मार्च में ना हो, थोड़ा एक डेढ़ महीना लेट हो जाए आपकी एग्जाम समय को। तो अब गृह विज्ञान की हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन से विषय आपके हटा दिए गए हैं, विषय नहीं कौन कौन सी लेसन में से क्या टॉपिक आपका हटा दिया गया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विषय कैसे हटा सकते हैं, विषय तो पढ़ने पड़ेंगे।
संस्कृति जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वही है। बहुत कम सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, मैं कह रहा हूँ बहुत कम सिलेबस है। थोड़ा पढ़ना है, थोड़े से पढ़ने से आपकी परसेंटेज अच्छी आ सकती है। पहले तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, मार्क्स वो ही हैं, समय वो ही है, ठीक है, नंबर उतने में से ही आएंगे। बट अब पढ़ना कम है, जहाँ पहले 10 पार्ट पढ़ने थे, अभी मान के चलो अब आपको 5 ही पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। लगातार देखते हैं सिलेबस को आप, ये गृह विज्ञान जो प्रैक्टिकल होगा उसका सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसमें से क्या कट ऑफ हटा दिया गया है। आराम से आप देखें वीडियो को, आप पोज करके बिल्कुल देख सकते हैं, रुक रुक के आप लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये मनोविज्ञान का टॉपिक है, क्या पार्ट हटा दिया गया इसमें से, आज तो लगता है वीडियो लंबी बनने वाली है। सभी हम बात कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट को लेके, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम सिलेबस संशोधन के बाद सारे सब्जेक्ट टॉपिक आप दिए हुए हैं, और किस टॉपिक से क्या पढ़ना है ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चों का कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं, आप किसी बच्चे की किसी टॉपिक को लेकर तैयारी अच्छी होगी और वो हटा दिया गया होगा तो बच्चे को बड़ा दुख हो रहा होगा, अरे ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा था। पर ऐसा नहीं है, जो टॉपिक कठिन थे, टफ थे, आई थिंक, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के प्रैक्टिकल की, तो सरकार की जो ये सोचती है कि बच्चों को दिक्कत ना आए, स्टूडेंट्स क्या है, देश का भविष्य होता है। आगे चल के यही स्टूडेंट, साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है सारे सब्जेक्ट हमें कवर करेंगे, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर कवर किया गया सारा सारा। तो बच्चे हम बात करें, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आगे जाके यही एक जो पोस्ट जहाँ पर बैठे हैं अधिकारी, कोई शिक्षा मंत्री बनेगा आप में से ही, कोई क्या बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो बनेगा आप लोगों में से ही कोई ना कोई, तो आपको देखकर ही इस सिलेबस तैयार किया गया। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो है, जो सब्जेक्ट है आपका लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पार्ट का हटा दिया गया आप देख सकते हैं, ये पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। अब नया सिलेबस ये होगा आपका, और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस होगा इसमें क्या क्या आपका हटा दिया गया, ये पार्ट्स आपके हटा दिए गए साहित्य में से। हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा विषय है, और इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये टॉपिक जो स्क्रीन पे चल रहे हैं यही आपको पढ़ने हैं। 179 पेजेस में हम 71 पेज पढ़ चुके हैं, बहुत ही, क्योंकि मैंने कहा है कि सारे सब्जेक्ट हम इसी वीडियो के अंदर लेके आए हैं, हिंदी साहित्य। अब है उर्दू वाला, उर्दू के अंदर क्या क्या आपको हटाया गया पार्ट है फिर देख लेते हैं। ये पार्ट हटा दिए गए उर्दू के अंदर, अब क्या पढ़ना है ये आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सिंधी साहित्य हटाए गए भाग सिंधी में से, मैंने कहा हम सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सारे हमने इसमें कवर किए हैं, उनके बारे में हम जाने, अब क्या पढ़ना है सिंधी के या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं गुजराती साहित्य, इसमें से हटाए गए पार्ट्स ये हैं आपके, अब पढ़ना क्या क्या ये आपको, ये टॉपिक आपको गुजराती साहित्य में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हम पंजाबी साहित्य का, दर्पण भाग देखते हैं, में से हटाए गए पार्ट कौन है पंजाबी में से, ये पार्ट आपके हटा दिए गए हैं, ये पार्ट आपको पढ़ने होंगे पंजाबी में। राजस्थान साहित्य, बहुत से बच्चे लेते हैं राजस्थान साहित्य को, इनको राजस्थान की लोक कला संस्कृति के बारे में जानना है, उसमें से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, और ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में आएंगे। हटाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ने नहीं है, पढ़ लो आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, एग्जाम्स के पर्पज से क्या आने वाला ये है बस, ये तो पढ़ें जो एग्जाम में आने वाला है, पढ़ना तो आपको सारा ही है,
फारसी साहित्य में आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, सॉरी समाजशास्त्र, ये आपको हटाया पाठ है इसमें से, किस संशोधित पाठ्यक्रम में आपका समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी इसमें से ये पार्ट आपके हटा दिए गए हैं और इस पार्ट को कवर किया है। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी मतलब इसमें से ये पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत ही टफ होता है उनके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट इसी से अच्छा होता है। इसमें ये पार्ट आप ये जो हैं ये आपको पढ़ने होंगे। मैंने पहले ही कहा है गवर्नमेंट ने आप बच्चों को देखते हुए जो पाठ्यक्रम का सिलेक्शन किया है, क्या सिलेबस का सिलेक्शन किया है, जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए और बहुत इजी सिलेबस आपके लिए उपलब्ध किया है, यहाँ रखा गया है। अकाउंटेंसी अब इंग्लिश मीडियम में देख लिया, क्योंकि यहाँ दोनों ही मीडियम में मैंने सिलेबस को यहाँ पर कवर किया है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों आसानी से देख सकते हैं। हटाया गया पार्ट व्यवसाय अध्ययन में से बीओ में से ये पार्ट आपका हटा दिया गया है, तो ये आने वाला है आपका पार्ट। अच्छे से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, यही सिद्धांत होना चाहिए। कृषि रसायन में से क्या हटा दिया गया, कृषि रसायन में से ये सारे पार्ट हटा दिए गए हैं आपके और ये पार्ट आपको पढ़ने होंगे। कम समय में है, कम सिलेबस। अब जीव विज्ञान में हटाया गया पार्ट, हमने तीनों ही स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स यहाँ कवर किए। जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है ये देख लें आप, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सिलेबस को लेके वो बताएं, हम पर्टिकुलर किसी क्लास को लेकर भी बनाएंगे वीडियो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी वीडियो बनाएंगे, पर ये डिपेंड करता है आपकी कमेंट्स के ऊपर। कृषि जीव विज्ञान में आपको ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना है। तो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना है, जानना है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये आपका संशोधित पाठ्यक्रम है, ये आपको पढ़ना है। और बहुत लंबा सिलेबस नहीं है आपके, ये भौतिक विज्ञान जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए हटाया गया पार्ट भौतिक विज्ञान में से। और क्या आने वाला है ये हम देख लेते हैं। ये भौतिक फिजिक्स में से जो इंग्लिश मीडियम में है वो हटाया गया पार्ट है इसमें। कंटिन्यू सिलेबस के एक एक पॉइंट आपके सामने हैं, आसानी से देखें, समझें और उसके आधार पर तैयारी करें। सिलेबस को देख के तैयारी करनी है अब की बार आपको, कहीं ये ना हो कि जो ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल ऐसा ना हो कि हम पढ़ ले कुछ आए कुछ, वो वाला पार्ट ना पढ़ें जो हटा दिया गया है, कि वो वाला पार्ट आप पढ़ लें। रसायन विज्ञान बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अवतार होते हैं ऐसे बच्चे जो हटाए गए विषय को भी पढ़ लेते हैं और जो विषय आने वाले हैं, जो टॉपिक आने वाले हैं उनको नहीं पढ़ते। ऐसे सीरियस आ चुका है, ऐसे बच्चे फिर मिलेंगे आपको लास्ट में, अरे भाई एग्जाम में ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, अरे भाई हटा दिया। ये सर लेकिन प्रैक्टिकल का पार्ट है, हटाए हुए पार्ट को ना पढ़ें, वही विषय पढ़ें, वो विषय के वही टॉपिक पढ़े जो अब आने वाले हैं। सिलेबस को अच्छे से एक बार एनालाइज कर लें, देखें, समझें, उसके बाद ही आप तैयारी करें। और इसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान क्या प्रैक्टिकल, साइंस के बच्चे हैं केमिस्ट्री, साइंस के बच्चे हैं इसलिए बहुत ही जरूरी उनके लिए पढ़ना केमिस्ट्री।
कहीं भी कोई डाउट लगे आपको तो बेझिझक आप कमेंट्स के पूछें यार, आपकी हर समस्या का समाधान आपको यहाँ मिलेगा। यही नहीं, सिलेबस से बाहर से भी कोई चीज़ पूछनी हो आपको किसी टॉपिक को लेके, कि कोई टॉपिक को आपका समझ में नहीं आता हो आपको, हम उसको भी एक्सप्लेन इस आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर देंगे। आप क्या हो, हमारे एक परिवार हो, एक परिवार का हिस्सा हो, और परिवार में कोई भी से किसी से पूछा जा सकता है, समझ सकते हैं बिना हिचक के, तो आप आराम से पूछें। ये सैद्धांतिक प्रैक्टिकल का है आपका जीव विज्ञान का। देखिए समझे फिर तैयारी करें, कहीं भी कोई डाउट लगे आपको तो आप आसानी से पूछें, कमेंट्स करें, बताएंगे, हर समस्या का समाधान आपको यहाँ मिलेगा। लगभग 179 पेज में से हम 149 पेज हमने कवर कर लिए हैं, 150 अब चल रहा है, और सारे सब्जेक्ट हम यहाँ कवर करने वाले हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, सारे अपने ज्ञान जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल कैसे होगा, उसमें क्या क्या आने वाला है सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। एंड बायोलॉजी में से क्या क्या पार्ट हटा दिए देख लें आप एक बार, बायोलॉजी और मैथ ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं, जिसके पास बायोलॉजी होगी वो पीसीबी कहलाएगा, जिसके पास मैथ होगी पीसीएम कहलाएगा। बायोलॉजी क्या पढ़ना है आपको, ये पार्ट पढ़ना है आपको सारे बायोलॉजी में, और बहुत इंग्लिश मीडियम का ली है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं आसानी से इसको। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बहुत अहम होता है 12th क्लास के बच्चों के लिए, यही आपका प्रैक्टिकल से अच्छे मार्क्स आते हैं और बच्चे अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, पैसे तो हम बात करते हैं भूविज्ञान के प्रैक्टिकल, हटाया गया पार्ट कौन सा है भूविज्ञान का प्रैक्टिकल में से, संशोधित पार्ट क्या होगा भूगोल विज्ञान का, ये है हटाने के बाद जो बच रहा है ये आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल भूविज्ञान। देखो मैंने ये पर्यावरण विज्ञान है, हटाए गए पार्ट कौन कौन से पर्यावरण विज्ञान में से, ये आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लें पर्यावरण विज्ञान के अंदर, प्रैक्टिकल पर्यावरण विज्ञान में क्या क्या आने वाले हैं सब कुछ डिटेल से यहाँ बताया गया है, आप अच्छे से पढ़ें। कृषि विज्ञान में से क्या क्या पार्ट हटा दिए, जिन बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना वो कृषि विज्ञान सब्जेक्ट लेते हैं। कृषि विज्ञान सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, लगातार देखें समझे सिलेबस को, तो 179 जो पेज से सारे अपने कवर कर लिए हैं इसके अंदर, और कोई डाउट लगे आपको तो आप मुझे पूछें, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको सिलेबस चाहिए, क्या हटा दे क्या लगा दे, मैंने पूरे सब्जेक्ट हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, क्या हटा दिया क्या जोड़ दिया, फिर भी कोई आपको चाहिए जानना हो तो कमेंट से हमें बताएं, और तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा रिजल्ट आए। आज के लिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत जय भारत।